हो किछि मागु नहि तोते। ओडिसी नृत्य शैली कार्यक्रम की पिछली कड़ियों में हमने ओडिसी के नाम का उद्गम जाना। आरंभिक प्रस्तुतियां जैसे भूमि प्रणाम, मंगलाचरण, गणपति वंदना का परिचय प्राप्त किया। नृत्य प्रशिक्षण की कुछ झलक देखी। इसके साथ ही हमें जानकारी मिली ओडिसी की कुछ भंगिमाओं की, पाद भेद की और कुछ विशेष हस्त मुद्राओं की। शुद्ध नृत्य पल्लवी की प्रस्तुति हुई। गुरु जी ने हमें आनंदित किया जगन्नाथ स्तुति की सरस प्रस्तुति से। जगन्नाथ अब इस भाग का आरंभ हो रहा है ओडिसी की वेशभूषा यानी आहार के सौंदर्य से। क्या कहते हैं इसे? बंगपटिया कहते हैं। ये हमारी कमर की खास पेटी होती है। ये चांदी से बनी हुई है। दीदी, अगर आप और कोई पात्र बनते तो क्या आपकी वेशभूषा बदल जाती? नहीं, और किसी पात्र बनने से मेरी वेशभूषा नहीं बदलती। ओडिसी में अलग अलग पात्र के लिए अलग वेशभूषा नहीं होती। सिर्फ एक चीज मैं बता, इधर जो तुम टायर देख रहे हो ना, इसके ऊपर हम एक चुनरी देते हैं ओढ़नी, और इसको हाथ में ऐसे पकड़ने से राधा बन जाती है। और इसमें पूरा जो ये वेशभूषा से वो थोड़ा और अच्छा लगती है। समझ में आया माँ? दीदी, मैं तो भरतनाट्यम करती हूँ। हम तो एक चोटी बनाते हैं, लेकिन आपने तो चोटी नहीं बनाई। नहीं, मैंने चोटी नहीं बनाई। उड़ीसी में परंपरा थी ज्यादातर चोटी बनाने की, लेकिन आजकल ज्यादातर लोग सिर्फ जुड़ा बनाते हैं। कुछ लोग चोटी भी पहनते हैं, पर आमतौर पर सिर्फ जूड़ा बनाया जाता है। दीदी, ये पहनना जरूरी है? हाँ, इसे पहनना जरूरी है। ये वेशभूषा का एक अहम अंग है। इसे क्या कहते हैं? इसे पंखा या कुंच कहते हैं। ये कपड़ा कुंचित है ना, जब बैठेंगे तो इस तरह से फैल जाता है। तुम लोग करते हैं पता का त्रिपता को? कैसे दिखाओ एक बार मुझे पता का। तुम तो त्रिपता का कर दे, पता का कह रहे, त्रिपता का तुम कर रहे। पता का दिखा, पता को, त्रिपता को, अर्ध पता को, कर्तरी मुख, मयूर, अर्ध चंद्र, अराल। ऐसे बेटा, अराल, सुकतुंड, इधर हाथ रख के सुकतुंडक, सुकतुंडक। हाँ, मुष्टि, शिखर, कपित, कटकामुख, सूचि, चंद्रकला, पद्मकोश, सर्पशिखा। अच्छा, ये एक बात है। मैं क्यों ऐसे दो हाथ में मैं क्यों करते हैं? कभी कभी हम ऐसे दिखाते हैं। देखो, दो हाथ दिखाने से कभी कभी मुद्रा, ये एक हस्तक विनियोग को हम कहते हैं, एक हस्त मुद्रा को असंयुक्त हस्त, एक हस्त मुद्रा को। दोनों हस्त मिलाने से क्या होता है ना, संयुक्त होता है। संयुक्त मतलब हम ये हाथ में जैसे करेंगे, ये हाथ ऐसे करेंगे, मगर पता का त्रिपता का कभी कभी ये विष्णु हो जाते हैं। तो तुम लोग को अभी से इसको ठीक से मालूम होने से, दो हाथ में ऐसे करने से, तो तुमको बहुत तो आसान होगा उस टाइम पर दिखाने। नहीं तो क्या होगा, एक हाथ बहुत अच्छी तरह हो जाएगा और ये ऐसे ऐसे होगा। इसको एकदम क्लियर अभी से ऐसे में जब शिक्षा देते हैं, ऐसे शिक्षा ये करते। और एक है सिर का, जैसे पहले तुम डांस करने से सुंदरी ग्रीवा जैसे हैं, ग्रीवा भेद जैसे सुंदरी करने से कैसे हम करते हैं,
दिखाओ सुंदरी, तो हम ऐसे सुंदरी करते हैं। तो कभी कभी सुंदरी भी ठीक से नहीं आता है, क्योंकि कई ऐसे कर देते, कई झटका मारते, कई ऐसे घूम जाता है। क्या करना ना, हाथ को ये जो है स्ट्रेट ऐसे रखना मुंह के पास, ये जो अधर है इधर नहीं घूमेगा, इधर नहीं घूमेगा, सिर्फ कहाँ ना, सिर्फ नेक। देखो मेरा हेड भी नहीं जा रहे, सिर्फ नेक गया, फिर इधर आया नेक, इधर आया। तो ये बहुत आसान है, ये मेथड को मैंने शुरू किया, क्योंकि हमारा उड़ीसी में कई कई ऐसे भी करते हैं, एक दो ऐसे करते, मगर क्या होता है एक दो बच्चे लोग ऐसे करते नहीं। इसके इससे अच्छा बढ़िया क्या है ना, ऐसे रखो तुम, देखो मुंह इधर नहीं घूमेगा, इधर नहीं, ये बहुत आसान है, एक दो एक दो, किसी को तुम बताओ वो बहुत जल्दी पिकअप कर लेंगे। और नेक में भी हमारा कुछ तफात है, कैसे ना, आओ हमें करने से, ये हमारा ट्रेडिशनल फॉर्म है, जैसे बहुत तो कोई हम ये करने से ए आओ ऐसे नहीं कहेंगे, आओ बहुत कोमल, बहुत लावण्य से भरपूर, ये सब जो चीज़ है ये बहुत अच्छा लगे। तो कैसे डांस में हम लोग यूज करते, तत् ता ता का ता, तो जब मैं ता का ता तो अच्छा नहीं लगेगा। तो सिखाने के टाइम हम बहुत ध्यान देते हैं सब चीज़ को, नहीं तो अच्छा नहीं। आँख भी जैसे तुम्हारा, मैंने दूसरी जो डांस में देखा है कथक में थोड़ा ऊपर ऐसे रहता है, भरतनाट्यम में ऐसे आँख गर्दन एक ही साथ, उड़ीसी में भी हमारा ऐसे एक ट्रेनिंग टेक्निक है, जो सिर जैसे जाता है आँख ऐसे जाता है, कुछ सेपरेट नहीं है, जैसे ता थी ना त्रिकुट तक थी नी ता, थी ना त्रिकुट तक थी नी ता, आ थी ना, देखो मेरा आँख कभी अलग नहीं होता है। जैसे इसके अंदर मैं एक विनियोग तुमको दिखाएगा आज, अच्छा हम देख, मैं ऐसे तुमको दिखा रहे अभी, ये देखो मुकुटे, वृक्ष भावेशु, गुरुजी इसका क्या मतलब होता है? वृक्ष होता है बेटा, जैसे ये एक ट्री हो गया, ऐसे दिखाने से उसका जो फैला हुआ है, फैला हुआ पेड़, उसका एक एक इधर गया जैसे वृक्ष शाखा है, ऐसे वृक्ष भावेशु वज्रे बिजली वज्रे तत्थर वासवे, वासवे कौन है, इंद्र जिसको कहते हैं, तत्थर वासवे केतकी कुसुमे, ऐसे भी दिखा सकते केतमी केतकी कुसुमे दीपे, दीप दिखाने से ऐसे बन्नी ज्वाला विजृंभणे कपोते, देखो ऐसे ये कपोते पत्र लेखायं बाणार्थे परिवर्तन तथा, इसका क्या मतलब परिवर्तन, अच्छा बाण परिवर्तन, अच्छा जैसे अलग अलग जाति भेद कि ऐसे कुछ कुछ भी दिखा जी, सकते जी। तो बाणार्थे परिवर्तन एव मथ्य सुजिज्यते त्रिपता कहंग कथितो भरतात्व में, तो कौन लिखा है, भरत मुनि ने इनको लिखे। अगली प्रस्तुति जो हम देखने जा रहे हैं वे है दशावतार, जो श्री जयदेव के गीत गोविंद से ली गई है। इसमें नृत्य पक्ष और अभिनय पक्ष का भरपूर समागम है। गुरुजी अभी हम दशावतार देखने जा रहे हैं। हाँ, दशावतार अभी हम लोग कर रहे हैं, ये बहुत मुख्य है हमारा उड़ीसी में, तो आप लोग देखिए कैसे हो रहा है। इस प्रस्तुति में किन किन रूपों का वर्णन है गुरुजी? इसमें है मीन, नरहरि, राम और कल की, अच्छा ये चार रूप ने हम लिए। अच्छा
सावधिता मीना शरीरा जय जगदी शाहरे तब कर कमल बने नख मधु तसृंगम चलित हिरण्य कशिपुतनु भृंगम केशव धृत नरहरि रूप जय जगदीश हरे दीक्षुरणे दिग्पति कामनीयम् दशमुख मौली बलिं रामणीयम् केशव धृता राम शरीर जय जगदीश हरे